नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इनफिटेक चैनल से आपका दोस्त। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं दोहुआ कंपनी का एक डोम इनबिल्ट ऑडियो कैमरा। जी हाँ दोस्तों, ये इनबिल्ट ऑडियो कैमरा है विद कलर नाइट मोड फुल कलर आई बॉल कैमरा। जी हाँ दोस्तों, CP+ में काफ़ी शॉर्टेज हुई थी ऑडियो कैमरे की, तो हमें पता लगा भी दोहुआ कंपनी में है, तो हमें फिर दोहुआ कंपनी के ऑडियो कैमरे बेचने पड़े अपनी शॉप पे और लोगों को सर्विस देनी पड़ी। तो सोचा चलो ये प्रोडक्ट है अवेलेबल और ये कलर नाइट मोड के साथ है, तो ज़रूर इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए। इसमें डोम और बुलेट दोनों वर्जन अवेलेबल हैं, नॉर्मल 3.6 mm लेंस में अभी अवेलेबल हैं। और देखते हैं दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं और कैसे हम अपने दोहुआ के DVR में या CP+ के DVR में, XVR में जो BNC कनेक्टर के साथ आते हैं उनमें हम चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसकी है, मैं अनबॉक्स करके आपको बताऊं, भी नॉर्मल हम ऑडियो वाले कैमरे जो हैं हम जैसे यूज़ करते थे, तो हमें ज़्यादातर यही मालूम था पहले भी, जो BNC के साथ हमें एक ऑडियो पिन RCA पिन होती है, ऑडियो जैक जिसको बोलते हैं, उस तरीके से जो है हमें कुछ DVR मॉडल सेलेक्ट करने पड़ते थे इनबिल्ट ऑडियो के लिए। कुछ ज़्यादा माइक लगाने के लिए हमें वो कैमरे सेलेक्ट करने पड़ते थे जिसमें BNC के साथ हमें एक अलग से ऑडियो का भी पिन रहते थे या हमें माइक जो है अलग से लगाना पड़ता था। बट जो है अब इनबिल्ट माइक वाले कैमरे आ चुके हैं, इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छा साउंड होता है इनकी, इसमें DNR फंक्शन होता है, नॉइज़ रिडक्शन जिसमें होता है मेन बात। और देखिए ये दोहुआ की है, पूरी बुकलेट वगैरह सब कुछ साथ में देख रखी है। सबसे बड़ी बात है इसमें जो BNC है सिर्फ उसी के अंदर ही जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है इसका ऑडियो काम करता है, हमें अलग से कोई भी ऑडियो पिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जो हमारे नॉर्मल DVRs आते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है भाई हमें ज़्यादा माइक की ऑप्शन हो, नॉर्मल DVR में एक माइक की ऑप्शन होती है जो कि हम एक्सटर्नल माइक जिसको यूज़ करते हैं। बट ये जो इनबिल्ट माइक वाले जो कैमरे होते हैं इस तरह से हम जितने BNC के कनेक्टर होते हैं उसी में जो है हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेनली हमारे को अलग से कोई भी ऐसा DVR मोड सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है जिसमें ज़्यादा माइक की ऑप्शन हो। यानी कि हम कैमरा सेलेक्ट करके जो है सिर्फ हम माइक को यूज़ कर सकते हैं। ये स्कूल कॉलेज ऑफिस वगैरह सब जगह जो है इस तरह के कैमरे हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये जो कैमरा है ये इसमें एक आई बोल है, यानी कि इसमें एक वार्म LED है जो कि इसको कलर नाइट मोड कहलाएगी और इसको LED देगी। तो इसका नाइट मोड भी इस रूम में चेक करेंगे, साथ में हम इसको अपने दोहुआ के DVR जो XVR हमारे पास लगा के रखा है उसमें हम चेक करेंगे क्वालिटी, और हम CP+ और दोनों में ही चेक कर सकते हैं कैसे इनेबल करेंगे वो सारे इस वीडियो में है। और आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें सिर्फ दो ही जैक, नॉर्मली इस तरीके से जो है हम कैसे इनेबल करेंगे आप DVR की स्क्रीन पे लेके चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे LED नहीं लगी है, हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ही फिर हम कैसे इनेबल करेंगे इसका ऑडियो, कैसे हम सुन सकते हैं और वो सब चीज़ें हम चेक करेंगे, थोड़ा क्वालिटी वगैरह भी इसकी चेक कराएंगे क्योंकि कलर नाइट मोड कैमरा है तो इसकी क्वालिटी नॉर्मल कैमरे से बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और रात में कलर भी आता है। हमने स्पेशल टेस्टिंग के लिए एक BNC, अरे भाई यहाँ तो BNC टूट गया मेरा, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। सिंपल इसको यहाँ पे पहले जोड़ देते हैं, तीनों चीज़ें जो है इकट्ठे लगा के रखी है, BNC DC और RJ45, ताकि हम जो है कोई भी वीडियो जो है हम शूट कर सकें, टेस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे को दोहुआ का स्मार्ट PSS या KVMS दोनों सेम ही चलते हैं क्योंकि इनकी जो इंक्रिप्शन है वो लगभग सेम ही है, दोनों के DVR XVR NVR जो है आपस में सपोर्ट करते हैं, इनका प्रोटोकॉल जो है सेम है। तो इस तरह से हम KVMS Pro में भी अपने DVR को यूज़ कर सकते हैं दोहुआ को। KVMS की जो वीडियो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये है KVMS Pro, यहाँ पे जो है हम आपको डिवाइसेस में लेके चलते हैं जो कि हम डिवाइस ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ऑटो सर्च करके। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस कन्फिग में चले जाते हैं हम मेन्यू में, यहाँ डिवाइस कन्फिग में हम चले जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये जो डिवाइस है वो ऐड हुआ है और उसकी हम सेटिंग करने वाले हैं कैमरा की। जी हाँ दोस्तों, हम उसमें एनकोड में चले जाएँगे और जो हमारा कैमरा हमने लगा के रखा हुआ है, जैसे हमारा नंबर है जो भी है, तो देख लेते हैं पहले कौन सा नंबर है। हम पहले डिवाइसेस में जो है प्ले करके देख लेते हैं अभी हमारा जो ये DVR है जो कैमरा है चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये जो है इसका व्यू आ चुका है यहाँ पे 7 नंबर पे, लेकिन हमारा BNC की वायर थोड़ी सी कटी हुई है तो करके जो है थोड़ा सा ऐसा नज़र आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और ये कैमरा यहाँ पर चल रहा है, लाइट लूट का सेटअप जो है इस तरह से हमने खलेरा डाल के रखा है। 5-6 दिन बाद आज ऑफिस में आए हैं हम, और मतलब आते ही वीडियो वाडियो शूट करने लिए, कपड़ा कपड़ा थोड़ा साफ सूफ किया टेबल अपना, यहाँ बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे देखिए चेक करने के लिए। तो इस तरह से आवाज रिकॉर्ड हो रही है हमारी और देखिए कितना अच्छे तरीके से साउंड चल रहा है, कोई को साउंड नहीं है, पास रखा हुआ है। हेलो हेलो, इसके साथ हम लाइव भी कर सकते हैं तो यूट्यूब पे, तो वो भी हम अभी कभी बताएंगे आपको। और बाकी अगर मैं यहाँ माइक लगाता हूँ, यहाँ स्पीकर होता है, ऐसे कैमरे आने वाले हैं, कईयों में साइरन होगा, ऐसे कैमरे भी आने वाले हैं हमारे चैनल पे, तो हमने मंगवाए हुए, आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे।
तो मेन बात है ये ऑडियो इनेबल कैसे हुआ, वो डिवाइसेस डिवाइस कन्फिग में हम जाएंगे एंड कोड पे क्लिक करेंगे। कैमरा नंबर हमारा देखिए यहाँ पे है ये 7 नंबर कैमरा, ठीक है। तो मैं चले गया यहाँ पे चैनल नंबर 7 सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो सेटअप में जो नीचे ऑडियो सेटअप आता है, तो ऑडियो सोर्स देखिए क्या है, यहाँ पे है कोएक्सल। ये ऑडियो सोर्स जो है हमें कोएक्सल करना पड़ता है, ठीक है, HDCV है जिसको बोलते हैं। वैसे तो ये दोवा है तो दोवा अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है, बस हमें ये ऑडियो सेटअप ये जो इनेबल है रिकॉर्डिंग में हमें इनेबल करना पड़ता है एनकोड में जाके, वो हमें यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई एंड सेव करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें HDCV या तो ऑडियो इनेबल करना पड़ता है, तब जाके जो है इस तरह से इनेबल आ जाता है। तो इस तरह से हमने ऑडियो सब स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम में इनेबल करके रखा, तो इस तरह से सेटिंग्स होती हैं और कैमरा बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो अब जो है हम नाइट विजन की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। नाइट विजन के लिए मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है अभी ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए कैमरे के आगे, कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए। लाइट्स ऑफ कर देते हैं, चेक कर लेते हैं, स्क्रीन की लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं ताकि बिल्कुल भी लाइट ना मिले से, और आप देख रहे हैं कैमरे के साथ जो है थोड़ा सा, और उसकी नाइट विजन की क्वालिटी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ लगभग, आप समझ सकते हैं अभी 3 3 मीटर जो दूर हूँ मैं ऑब्जेक्ट। अब हम दिन का टाइम है, ये कमरा टोटली अंधेरा है, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसकी 0 वाट का जैसे बल्ब होता है उतनी लाइट यहाँ पे नज़र आ रही है, से जो है नज़र आ रहा है कैमरे में। साउंड क्वालिटी आप देख सकते हैं इसकी कितनी जबरदस्त है, नाइट वर्जन की क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार कैमरा है, कलर नाइट मोड कैमरा है और इसमें बुलेट और डोम दोनों ही अवेलेबल हैं। और यहाँ से डिम भी हो जाती है लाइट बल्ब, ये बहुत अच्छी बात है। अभी इसकी लाइट जो है एकदम से कट ऑफ नहीं है, मतलब प्रॉपरली जैसे जितनी जितनी चाहिए होती है वैसे वैसे ड्रॉप होती है। इस तरह से ये कैमरा था और आपने देखा क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है इसकी। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। 2 ईयर की वारंटी है इसमें, बुलेट मॉडल भी है और ये मेटल बॉडी है। वैसे हम तो यहाँ KVMS Pro में कैमरा हमारा बढ़िया चल रहा है, नाइट वर्जन हो चुका है, ऑडियो हम चेक करवा चुके हैं और सेटिंग्स हो चुकी हैं। तो इतना ही बताते हैं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।